मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड, आज हम घूमने जा रहे हैं बसरपुर, ऐसा कुछ जगह। ये भी वाटरफॉल है, वाटरफॉल में घूमने जा रहे हैं। अभी सुबह का बज रहे हैं 10। मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ, सुमित गया है नीचे रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इस बार हम लोग बहुत जन मिल के जा रहे हैं। और बसरपुर या ऐसा कुछ नाम है, मैं बाद में आपको मेंशन कर दूँगी, स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि मेरा बंगाली टोन्स है ना, तो प्रोनाउंस अलग आता है, तो इसलिए मैं मेंशन कर दूँगी कौन सी जगह पर जा रही हूँ। तो चलिए सफ़र स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत में मैं बोलूँगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही छोटा मोटा ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं अभी से। उस टाइम पर गई थी, कहाँ गई थी भूल गई। तो अभी मैं ट्रैवलिंग छोटा मोटा करूँगी दमन एरिया में जो रहता है ना, तो मैं थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करूँगी दमन एरिया में कहाँ कहाँ घूमने का जगह है। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं वाटरफॉल। और नाम तो बताइए, कहाँ जा रहे हैं? भीलपुरी। भीलपुरी तो जाके आए हम लोग, मालूम नहीं रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। रुका साइड में चल के जाते हैं। ये कीजिए। हाँ। अरे ये देखिए, देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। ये है बॉर्डर, ये बॉर्डर है ना, अभी सब ब्लॉगर बन गए हैं। अभी हम लोग हैं दमन और बॉर्डर, दमन और गुजरात का बॉर्डर में, और हम इधर से चल के जा रहे हैं। ये ब्रिज है, और ये देखो ये समुंदर का ही पानी है ना सोमनाथ, नदिया का पानी है। तो आज हम लोग जा रहे हैं 6 जन मिलकर, कहाँ जा रहे हैं? अरे वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए? भीलपुरी जा रहे हैं घूमने के लिए हम लोग। आज जा रहे हैं भीलपुरी, और उधर बहुत अच्छा एक वाटरफॉल है वो विजिट करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं भीलपुरी। और ये देखिए बॉर्डर है गुजरात और दमन का, इधर ना चेकिंग रहता है, ट्रिपल शेयरिंग में नहीं जा सकती, इसलिए चल के जा रहे हैं। आगे दोनों निकल गए हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग चल के। तो चलिए मिलते हैं आगे, ब्लॉग में बने रहिए। देखो आज इतना नया सूप पहना है लेकिन मिठाई नहीं लाया। सोमया का चश्मा बहुत खतरनाक है, MC स्टैंड चश्मा है सोमया का। देखो अभी सामने है पुलिस चौकी, जिधर में आपको आएगा गुजरात बॉर्डर का पुलिस है इसमें। तो इधर बाइक चेकिंग करता है, क्योंकि दारू बारू कोई लेके जाए तो तुम्हारा बैग चेक करेगा। ठीक है, बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग बाइक राइड करेंगे। हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और थोड़ा सा पहले आगे चल के फिर बाइक पे उठकर बाइक राइड करेंगे। वैसे अभी ना सबको पता चल गया है ये ब्लॉगिंग होता है, ये होता है, पहले थोड़ा सा शायद जैसा फील करती थी, अभी नहीं, अभी सबको पता चल गया था इसीलिए। चलिए ज्यादा अभी से ब्लॉग शूट नहीं करूंगी, नहीं तो उधर जाके मेमोरी मेरा फुल हो जाएगा। ये देखो हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ पर, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते में ये है।
क्या क्या दिया दिखाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी हम लोग निकल पड़े हैं फिर से। किसी को रास्ता नहीं पता भीलपुरी का, हम लोग ऐसे ही निकल गए। हम लोग सोचे तो दूसरे गली। अरे ये पार्टी किधर, रास्ता तो बता। आज का ब्लॉग बहुत ही सस्पेंस में रखा हुआ है, मैं खुद सस्पेंस में हूँ क्योंकि आखिरकार हम लोग भीलपुरी एरिया में पहुँच पाएंगे या नहीं। ब्लॉग में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा, लेकिन बहुत मस्ती हुआ रास्ते में। नजारा का मजा की वजह से ना रास्ता का ऐसा आ जाता है, क्या जाता है पता नहीं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो पहाड़, उधर बारिश हो रहा है। वो जो है ना उसके ऊपर गए थे हम लोग, वो जो है पहाड़ के ऊपर गए थे। नहीं नहीं वो पहाड़ के ऊपर गए थे हम लोग। ये वाला ब्लॉग ना बहुत ही एडवेंचर और बहुत ही सस्पेंस भरा हुआ है क्योंकि हम लोग आखिरकार वो जगह पर पहुंच पाए कि नहीं, ये आपको ब्लॉग कंटिन्यू देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसका जो व्यू है ना क्या बताऊं, और दोनों साइड खेत है और बीचों बीच सड़क है, इतना सुंदर नजारा है ना, कुदरत का करिश्मा ही बोल सकते हैं। साइड पे आपको दिखाई रही थी गन्ने का खेत, चावल का खेत, तरह तरीके की खेते हैं क्योंकि ये ना शहर में दिखने को नहीं मिलता है। ये सब देखने के लिए आपको गांव की साइड जाना पड़ेगा। और जैसे कि हम लोग डिसाइड किया था कहीं पे निकलते हैं भीलपुर जाने के लिए, लेकिन फाइनली हम लोग उधर पहुंचे कि दूसरे जगह पर पहुंच गए। आपको ब्लॉग में बरकरार रहना पड़ेगा तब जाके आपको पता चलेगा। लेकिन ये नजारा का मजा लीजिए फ्रेंड, बहुत सुंदर है और ऊपर से बारिश भी हो रहा था इसीलिए और ज्यादा मस्ती मजाक हो रहा था। बहुत इंजॉय किया इस वाले ट्रैवलिंग में। इतना दूर आने के बाद फिर से संजय ने गलत रास्ता लिया, हम लोग फिर टर्न होके फिर से जा रहे सेम रास्ते पे। ये लेकर दो बार हो चुका है। फिर से गलत रास्ता, अरे वो देखो चले गए, अभी पूछ रहा है गलत रास्ता, अभी वो रास्ते पे जाना है। रास्ता का हाल
थोड़ा सा खराब है, बारिश हुआ है समंदर नहीं है वो, मेरे को जैसे पानी का रास्ता का हालत बहुत खराब है दोस्तों, कभी भी मत आना बारिश के टाइम पे। झरना कैसा मिलेगा, बारिश में मिलता है? हाँ बारिश में ही मिलता है, लेकिन रास्ता का हाल बहुत खराब है। इधर टू व्हीलर लेके आ सकते हैं, डबल व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर नहीं। हाँ मेरा फ्रेंड समझता है मैं क्या टूटा फूटा हिंदी बोलती हूँ। देखिए अभी भी कंफ्यूज है हम लोग कि सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं। आगे वाला रुकने वाला ऐसा लग रहा है। हाँ आगे वाले जो हम लोग को दिशा दिखा के लेके जा रहे हैं वही गलत जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये देखो फिर से रुक गए, लगता है फिर से कंफ्यूज है। क्या हुआ रे? फ्रेंड फिर से हम लोग उतर गए हैं, अभी रास्ता कंफ्यूजन है। चलो रास्ते में कंफ्यूज है हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन रास्ता का हाल बहुत बेहाल है। अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है अजीत? लो अभी दोपहर के बज रहे हैं, एक आफ्टरनून हो चुका है। सुबह 11 बजे निकले थे घर से, अभी तक पहुंचे नहीं डेस्टिनेशन में। रास्ता का हाल तो बोलूं बहुत ही खराब है, उतर के हम लोग जा रहे हैं, लेकिन नजारा बहुत सुंदर है। इतना खूबसूरत नजारा है ना तो इतना तकलीफ भी दूर हो जाता है। मैंने हेयर को मैंने बन बना लिया ताकि देख के, लेकिन सबसे अच्छा क्या है पता है, इधर हम लोग कोलकाता में ये सब फ्लावर ना खरीदते हैं, इसको दो पार्टी फूल बोलते हैं। हाँ ये दो पार्टी फूल, इसको हम लोग दो पार्टी फूल बोलते हैं। तो ये खरीदते हैं, 40 रुपए का लेता है ये पेड़ लगाने के लिए। तो इधर ऐसे ही उगा हुआ है, पत्ता बनाएगा पत्ता, बहुत सुंदर है। चलिए सामने का नजारा दिखाती हूँ फ्रेंड, ये देखो खूबसूरत नजारा, बारिश का बादल अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर है नजारा। अभी तो लगता है रास्ते अच्छा मिल गया है, और देखिए इतना खूबसूरत नजारा है। ये क्या लगाया है? हाँ लेकिन लगाया क्या है, मिर्ची का पौधा। जन्नत दिख रहा है अभी सामने, देखिए कितना खूबसूरत। अरे आप लोग भी तो कुछ बोलो, एक्साइटमेंट तो दिखा वीडियो में। ये जो है लोकेशन देने वाला, बार बार गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, फिर से हम लोग रास्ता घुमा रहे हैं, वो पूछने के लिए गए हैं। वो मयूर, मयूर सर, मोर आवाज आया, सही है तेरा मोर तो मैं, सही है रास्ता सही है, चलो चलो। मोर्ची का सर सुना आपने? लेकिन अरे उधर जंगल में मोर नाचे किसने देखा? अरे वो थोड़ी ना है। अरे लोग है वो, लेकिन सुंदर नजारा। इधर से भी दो रास्ता है, अभी रुकिए एक घर में जाता है, दूसरे पता नहीं किधर। वो इंसान को पूछते चलो ना सर। इकड़े इकड़े अरे इधर बोला ये लोग क्या गलत गलत रास्ता लेके जा रहे हैं, वो घर में घुस रहे हैं। इधर बोला तुमको गुजराती आती है तो गुजराती से पूछो ना। क्या पूछू? वो जगह का नाम, पिक्चर का नाम,
अरे नहीं, वो जगह का नाम, अरे बाबा रे, लग रहा ऊंट पे बैठी है सर। ये देखो, ये है टाइम, गलत रास्ता लेके आ रहे हैं और हम लोग चली। मुझे लगता है यही है या दूसरे जगह, पता नहीं, आगे चल के पता चलेगा। अभी सही है ना? देखो इसने आधा घंटा एक घंटा मेरा खराब किया है, लेकिन अच्छा आ रहा है। देखो ये देखिए, दो पैटी फूल, इसको हम लोग दो पैटी फूल बोलते हैं, बहुत सुंदर है। अभी हाइकिंग जैसा फील हो रहा है फ्रेंड। ये देखो अजीत, सोमनाथ फिर पीछे हैं, मैं हूँ पीछे, आ रहे संजय सर भी आ रहे हैं। ए देखो, वो लोग तो भी गाड़ी लेके गया है। हाइकिंग जैसे फीलिंग आ रहा है। पीछे से धक्का मारो। Who all has taken lead today? Ravi, Rohan, Sikha and Rahul. बंद कर दो। लेकिन क्वालिटी देखो कितना अच्छा आ रहा है। अभी हाइकिंग करना स्टार्ट हो गया है, साथ में नाश्ता वगैरह भी ले लिया है, पानी भी ले लिया है। हाँ, जिसने नहीं खाया उसके लिए, और जिसने खाया फिर भी। सुमिता श्रेया, देखो कितना ऊंचा एकदम है, ऊपर गए, ऊपर का आवाज आ रहा है ना। बैठना भी मत, सोचना भी मत, बैठोगे तो पैर पकड़ लेंगे। पहाड़ चलना मेरे को सिखाओगे, तुम सिखाओगे सुचिंदर? हम पहाड़ में 5 साल गुजर के आ गए। आदिवासी देखो, आदिवासी तो हूँ, तुम्हें थक क्यों? ऑटो चलने का भी रास्ता जैसा नहीं है। हाँ, बहुत ऊंचा है। अभी थक गई मैं। फ्रेंड मैं बहुत थक गई, पहाड़ के आधे हिस्से में चढ़ी लेकिन बहुत थक गई। इधर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। आप मेरे बात करने का तरीके से पता चल रहा है ना आपको? देखिए हाँ, आपको कैसे पता? आपको स्कूटी में आए आप? ये देखो ये लोग।